राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि त्याग की सीख भी देती है। क्या आपको पता है कि राधा के अंतिम समय में श्री कृष्ण ने उन्हें अपनी बांसुरी की मधुर धुन सुनाई, फिर राधा की मृत्यु के बाद अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी। पढ़िए राधा कृष्ण के प्रेम के अंत की ये अनोखी कहानी। राधा कृष्ण की असली कहानी क्या है? नवभारत टाइम्स के मुताबिक कथा मिलती है कि श्री राधा रानी की कान्हा से पहली मुलाकात तब हुई थी जब वो स्वयं 11 महीने की थी। तब श्री कृष्ण महज एक दिन के थे। उस समय उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। कहा जाता है कि उस समय राधा जी अपनी माँ कीर्ति के साथ नंदगांव आई थी। राधा ने कृष्ण को क्यों मारा? वेब दुनिया के मुताबिक जरा नामक एक शिकारी ने श्री कृष्ण को मृग समझ कर विषयुक्त बाण चला दिया जो उनके पैर के तलुवे में जाकर लगा और भगवान श्री कृष्ण ने इसी को बहाना बनाकर देह त्याग दी। राधा कृष्ण का प्यार क्या था? आज तक के मुताबिक राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वो श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह थी। वो भक्तिभाव में खो चुकी थी जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता है। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। श्री कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं किया? एबीपी न्यूज के मुताबिक ब्रह्मावैवर्त पुराण के अनुसार ही राधा का विवाह यशोदा के भाई रायन गोपा से हो गई थी और राधा रिश्ते में कृष्ण की मामी लगने लगी थी, इसलिए भी उन्होंने शादी नहीं की थी। क्या हुआ जब कृष्ण ने राधा को छोड़ा? आज तक के मुताबिक जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा ने पत्नी के तौर पर अपने सारे कर्तव्य पूरे किए। क्या कृष्ण ने राधा से शादी की थी? YouTube के मुताबिक ये ज्ञान फैलाने के लिए कि राधा और कृष्ण का प्रेम शारीरिक नहीं बल्कि परे था, भगवान कृष्ण ने वास्तव में राधा से कभी विवाह नहीं किया। ऐसा माना जाता है कि यह मानव अर्थात राधा द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति व्यक्त प्रेम का सबसे दिव्य और शुद्धतम रूप है। कृष्ण की मृत्यु के बाद राधा का क्या हुआ? विकिपीडिया के मुताबिक गर्ग संहिता और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ने भी कृष्ण के प्रस्थान के बाद अपना घर छोड़ दिया और बरसाना में अपने मायावी रूप जिसे छाया राधा भी कहा जाता है को पीछे छोड़ते हुए कदली वन जंगल चली गई। अष्टसखी के साथ राधा भी इसी वन में उद्धव से मिली जिन्होंने उन्हें कृष्ण का संदेश दिया। राधा के कितने बच्चे थे? टॉपर के मुताबिक रघु का विवाह राधा से हुआ है जिसका पहले विवाह वरुण से हुआ था जो अब मर चुका है। वरुण और राधा ने एक साथ एक बच्चे की कल्पना की और एक बच्चे को गोद लिया। रघु और राधा ने एक बच्चे की भी कल्पना की है। राधा की अंतिम इच्छा क्या है?